और दोस्तों सैमसंग को पता नहीं क्या हो गया, जब भी वो अपने स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं तो लगातार कंटिन्यू करते ही चले जाते हैं। हाल ही में सैमसंग ने अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट और सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। वैसे दोस्तों हमने दोनों पर ही वीडियो बनाई है, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के चेक कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में। वैसे दोस्तों हमने आपको बताया था टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो में कि आपको सैमसंग की तरफ से काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। उस वीडियो में हमने आपको बताया था सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में। तो दोस्तों A71 बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, लेकिन A51 लॉन्च हो गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको A51 की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, कितनी प्राइस में दोस्तों ये मिल रहा है आपको और कितना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ये स्मार्टफोन, सब कुछ बता रहा हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तु टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स बात करें सैमसंग गैलेक्सी A51 के डिज़ाइन और लुक वाइज की, दोस्तों मैं आपको बता दूं सैमसंग के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उन फ़ोनों में सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की और अब आपको सैमसंग गैलेक्सी A51, तीनों में ही दोस्तों आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल रही है। इसमें आपको 6.5 इंच की इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ दोस्तों फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे दोस्तों इसके बैक की, तो बैक में यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी जाती है, ग्लास की बॉडी हालांकि नहीं है, पॉलीकार्बोनेट की बॉडी के साथ आता है और यहाँ पे बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। अब कैमरे की बात चली गई तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का इसका रियर सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग दिया गया और लास्ट कैमरा चौथा कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि माइक्रो लेंस दिया गया है। तो दोस्तों नो डाउट बैक के कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा इसका फ्रंट कैमरा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वही बीच में ही आपको छोटा सा मिनी कैमरा देखने को मिलता है जो कि 32 मेगापिक्सल के साथ आता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये मिनी कैमरा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चलो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A51 की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB टाइप सी पोर्ट के साथ आती है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है और बॉक्स के साथ ही आपको ईयरफोन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 15W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको बताएं जो 4000 mAh की बैटरी होती है वो बड़ी बैटरी मानी जाती है क्योंकि 4000 से नीचे आती है तो एक बार को सोचा जाता है कम बैटरी है, 4000 से ऊपर जाती है या 4000 होती है तो बड़ी बैटरी मानी जाती है और यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मुझे इसमें एक चीज नहीं अच्छी लगी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको Exynos 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों काफी अच्छा प्रोसेसर है लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो सकता था, अगर स्नैपड्रैगन के साथ आते तो सोने पे सुहागा हो जाता। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और यहाँ पे आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने मेमोरी का एक्सपेंड कर पाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो इसकी प्राइस रखी गई 20 वेरिएंट 6GB 128GB की 23,999 रुपये रखी गई है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके कुछ फ़ायदे की, तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ अगर आप इस स्मार्टफोन के पैसे को Amazon पे से पे करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक भी दोस्तों मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो 31 जनवरी से आपको देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसा कि दोस्तों आपको पता है सैमसंग के जो स्मार्टफोन होते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन देखने को दोनों तरफ मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को 29 फेब से पहले परचेज कर लेते हैं, मतलब 31 जनवरी से लेकर के 29 फेब तक परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 टाइम का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अच्छा है, अगर आप ये स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं तो देख लीजिए आपको 29 तारीख से पहले परचेज कर लेना जिससे कि आपको 1 टाइम का स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाए। अब बात करें दोस्तों क्या ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए अगर आपका बजट है 24 या 25 हजार रुपए
24,000 रुपये में सैमसंग का A51 आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आपको पता है सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और जिसके लिए लोग बहुत सारे पैसे भी पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपका बजट है 24,000 रुपये तो डेफिनेटली आप सैमसंग A51 को कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा फिर से, अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट और S10 लाइट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक है, चेक कर लेना, वो भी स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चले दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।